इसकी हम बात करते हैं। तो जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, इसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहली चीज है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसकी वैल्यू वन होती है ना, कि वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी वन हो जाएगी। पाइथागोरस से निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो हम पाइथागोरस से ये चीज़ तो जानते ही हैं कि एच स्क्वायर की वैल्यू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगी। तो जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू वन के इक्वल हो जाएगी। पहली चीज ये है। दूसरा आपका आ जाएगा कि जो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी वन होती है। और थर्ड आपका आ गया कि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका कॉट स्क्वायर थीटा होता है, इसकी वैल्यू भी वन होती है। ये आइडेंटिटीज आपको ध्यान रखना, पहले भी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये आपकी थ्री आइडेंटिटीज होगी जो कि आपको जानना होता है। इसके अलावा कुछ ए प्लस बी के फॉर्मूले होते हैं, लाइक अगर मैं लिखूं कि साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, है ना, कि एक एंगल ए है दूसरा एंगल बी है, तो इसको एक्सपेंड करके आपका ये आ जाएगा कि दिस विल बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस आपका हो जाएगा कॉस ए साइन बी, ये आपका आ जाएगा। ऐसे आपका फिफ्थ आ जाएगा कि जो साइन ए माइनस बी होगा, है ना, इसकी वैल्यू में सेम चीज रहेगी, बीच में माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ जाएगा, है ना। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, है ना, एटलीस्ट ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए। साइन ए माइनस बी को एक्सपेंड करके आपका ये आ जाएगा। ऐसे आपको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कॉस ए प्लस बी कितना होगा, तो कॉस ए प्लस बी की वैल्यू होती है कॉस ए कॉस बी, है ना, माइनस साइन ए साइन बी। एंड जो आपका सेवन में कॉस ए माइनस बी होता है, सेम चीज बीच में माइनस साइन आ जाता है, ये आपका हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, है ना, प्लस आपका साइन ए साइन बी आ जाएगा, है ना। तो अगर इस तरह उसमें रिलेशन दिया हुआ है तो उसको एक्सपेंड करके हम ये लिख सकते हैं, है ना। तो ये सेवन तो हो गया, ऑर्थ भी है, पहले आप इसको लिख लो। मतलब बेसिक बहुत, वैसे तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक जो आपको फिजिक्स के अकॉर्डिंग जरूरत है उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। जो आपको फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपकी जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी है, है ना, उसकी जस्ट हम बात कर रहे हैं। डन सर, है ना, ये आपका ठीक है ना। ऐसे आ जाते हैं हम बेसिकली आपका जो नेक्स्ट चीज है पॉइंट नंबर एट पे, है ना, यहाँ पे आ जाते हैं नंबर एट पे। है ना, तो जो पॉइंट नंबर एट है वो जस्ट आपका टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि कहीं पे भी अगर टेन ए प्लस बी होगा तो इसको एक्सपेंड करके आपका ये आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द टेन ए टेन बी इंटू वन माइनस टेन ए टेन बी होता है, ये आपका टेन ए टेन बी का फॉर्मूला आ गया, राइट। ऐसे आपका टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, जो टेन ए माइनस बी होगा इसकी वैल्यू में बस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बीच में साइन प्लस होता है, सॉरी बीच में टेन ए प्लस टेन भी होता है ना। तो इसको थोड़ा सा आप ठीक से लिख लेना, है ना, कि बीच में जो साइन होगा वो प्लस का साइन होता है, दिस इज टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, है ना। ऐसे टेन ए माइनस बी जो होगा वो टेन ए माइनस टेन बी होता है, इन डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा वन प्लस टेन ए टेन बी, है ना। तो ये भी कई बार आपको यूज होगा, ऐसे ही आपका टेंथ आ गया जो सबसे ज्यादा यूज होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो साइन टू थीटा की वैल्यू होती है, साइन टू ऑफ थीटा, ये आपकी होती है टू साइन थीटा कॉस थीटा, और जो कॉस टू थीटा की वैल्यू होती है ना, ये आपकी होती है कॉस टू थीटा की वैल्यू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना। या अगर हम इसको लिखना चाहें तो सेम चीज आ जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो टेंथ एंड इलेवेंथ है ना, ये बहुत ज्यादा फिजिक्स में यूज होगा,
कि साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस टू थीटा की वैल्यू होती है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। किस तरह से हम इसकी वैल्यूज को क्या करते हैं बेसिकली आपका लिखते हैं, राइट। ये तो कुछ रिलेशन आ गए जो कि आपको आने चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा एंगल की चीज़ें, है ना, कि इसके बाद अगर हम एंगल पे आ जाएं तो सबसे पहले जो रिलेशन हम लिखेंगे यहाँ पे, बाकी आप बेसिक एंगल की वैल्यूज आप जानते हो भाई, 45 कितना होता है, 30 कितना होता है, दैट यू ऑल नो आई अंडरस्टैंड, है ना। उसको मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कि भाई बेसिक एंगल तो हम जानते ही हैं। जब भी हम बेसिक एंगल की बात करेंगे तो बेसिक एंगल की अगर मैं टेबल बना दूँ, ऐसे वैसे बना ही देते हैं इसे, तो कई बार स्टूडेंट भूल चुके होते हैं, उनको याद नहीं रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर टेबल बना दूँ एक, तो उसको भी आप देख लो, है ना, कि जस्ट हम यहाँ पे एक बेसिक एंगल की टेबल बना सकते हैं लाइक दैट, कि भाई डिफरेंट डिफरेंट एंगल की वैल्यूज क्या होंगी, है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स जो होंगे उसकी आपकी वैल्यूज क्या होंगी। साइन कॉस टेन का ही लिखते हैं, बाकी अगर साइन एंड कॉस का आ गया तो अपने आप सारी चीज एंगल्स का आ जाएगा। कि साइन एंड कॉस का अगर आपको आता है तो उसको एंगल का हम निकाल सकते हैं, है ना। तो वन बाय वन अगर हम देखें तो सीरियल नंबर वन में सबसे पहले आपका आ जाएगा, बेटा माइक, एक मिनट जरा, ये आपका गया, है ना। तो यहाँ पे हम जस्ट यूज करेंगे साइन थीटा की वैल्यू। तो आपको पता है साइन अगर जीरो डिग्री है तो साइन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, है ना। साइन थर्टी डिग्री की जो वैल्यू होती है वो वन बाई, ये आपकी जो होती है वन बाई टू होती है। ऐसे ही साइन सिक्सटी डिग्री की जो वैल्यू होगी ये आपकी रूट थ्री बाई टू हो जाएगी। साइन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू जो होगी ये आपकी वन बाई रूट टू हो जाएगी। साइन नाइन्टी डिग्री की जो वैल्यू होती है ये आपकी जो होती है आपकी वन होती है, और साइन वन एट्टी डिग्री की जो वैल्यू होगी वो जीरो होती है, ना। तो ये वैल्यूज तो आपको ऐसे पता है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज हम जानते हैं। ऐसे अगर हम कॉस की बात करें तो जो आपके कॉस जीरो है वो जीरो वन हो जाएगा, कॉस जीरो डिग्री वन होता है, कॉस थर्टी डिग्री आपका रूट थ्री बाई टू हो जाता है, है ना। कॉस सिक्सटी डिग्री आपका वन बाई टू हो जाएगा, कॉस फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू ही रहता है, और कॉस नाइन्टी की वैल्यू जीरो होती है, और कॉस वन एट्टी डिग्री माइनस वन होता है, है ना। तो ये एटलीस्ट आपको पता है, वैसे आप जानते हो टेंथ में आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो आपको ये आना चाहिए क्योंकि बार बार ये एंगल्स यूज होंगे। ऐसे साइन एंड कॉस को डिवाइड करके टेन थीटा आ जाएगा, तो टेन जीरो डिग्री अगर जीरो को वन से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, टेन थर्टी डिग्री इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका वन बाई रूट थ्री आ जाएगा, टेन सिक्सटी डिग्री इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रूट थ्री आ जाएगा, टेन फोर्टी फाइव डिग्री वन होता है, टेन नाइन्टी डिग्री वन बाई जीरो होता है, मतलब इनफाइनाइट होता है, एंड टेन वन एट्टी डिग्री भी जीरो को मर से माइनस वन डिवाइड करेंगे जीरो आ जाएगा, है ना। तो ये आपको एटलीस्ट वैल्यूज आने चाहिए, भाई ये वैल्यूज आपको एटलीस्ट आने चाहिए सबका। अगर ये आता होगा तो बाकी किसी भी एंगल को हम निकाल सकते हैं, लाइक आपको अगर 230 आपको 210 डिग्री निकालना है, है ना, तो उसके लिए हम रिलेशन यूज कर लेंगे, और वो जो रिलेशन होता है वो जस्ट आपका ये होता है। सबसे पहला जो रिलेशन है पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं अगले पेज पर उसको लिखवाता हूँ। हाँ बोलो बेटा। सर कैन यू जस्ट प्लीज शो द प्रीवियस पेज, आई हैव टू टेक द एसएस बिकॉज़ आई हैवंट जॉइंड एट दैट टाइम। अच्छा ठीक है, अभी मैं इसके बाद उसको शो करता हूँ, उसको लिख लें दो सबको। ओके सर, डन सर, दिस इज द पेज, है ना। जस्ट मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, हो गया सर, ठीक है ना, ये आपका आ गया। फिर उसके बाद मैंने ये पे शो किया है। अब ये तो कुछ लिमिटेड एंगल है, इसके अलावा भी तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं,
उसको निकालने के लिए सिंपल से हम कुछ रिलेशंस यूज कर लेंगे, है ना, कि उसको सॉल्व करने के लिए वी यूज फ्यू रिलेशंस, है ना। तो वो जो रिलेशंस हैं उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। जो नेक्स्ट आपका आ जाएगा उसको मैं अलग पेज पे लिखता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको फिजिक्स में कई बार वो आपकी यूज होगी, है ना, कि जैसे ये एंगल तो पता है, बाकी एंगल हम कैसे निकालें, है ना। तो उसके लिए वही 90 प्लस थीटा वगैरह का कंसेप्ट हम यूज कर लेंगे। तो जो सबसे पहली चीज उसमें है आप ध्यान रखना कि फर्स्ट जो चीज है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो माइनस साइन थीटा होती है। और जो सेकंड में आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है। कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इसलिए आपका कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही ये तो सिंपल से एलिमेंट्री आ गया। तीसरा अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि व्हाट इज द साइन 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू कॉस थीटा होती है। एंड जो आपका कॉस 90 माइनस थीटा होगा ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, है ना, कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। इसलिए तो देखो साइन एंड कॉस एक्सचेंज होते हैं, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की होती है, है ना। वो इसलिए तो होते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, कि साइन 90 माइनस 30, है ना, कि कहीं पे भी अगर हम लिखें साइन 60 डिग्री, है ना, तो साइन 60 डिग्री मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 30, तो ये आपका कॉस 30 हो जाएगा। तो साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम हो जाएगी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपके रूट 3/2 हो जाएगी इसी प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये आपका हो गया थर्ड एंड फोर्थ। ऐसे फिफ्थ में आ जाते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जब एंगल चला जाए तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है ये कॉस होता है। एंड सिक्स में जो कॉस 90 प्लस थीटा होता है ये इसके आगे एक माइनस साइन आ जाता है, दिस इज योर माइनस साइन थीटा। ये ध्यान रखना पसंद कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसलिए आपके निगेटिव होती है। ऐसे सेवन में आ जाएगा कि जो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा होता है, इसकी वैल्यू जो होती है 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही होती है। और एट में आपका कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा जो होता है वो आपका माइनस कॉस थीटा हो जाता है, है ना। नाइन में आ जाएगा, अब 180 प्लस में आ जाते हैं, तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा जो होता है, है ना, कि 180 प्लस थीटा की अगर हम बात करें साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, तो ये आपका माइनस साइन थीटा हो जाता है। एंड टेंथ में साइन कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा जो होगा ये भी आपका माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपको ये आना चाहिए आइडेंटिटीज, है ना, कि ये थोड़ा सा ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पे 10 लिखे हुए हैं, बार बार फिजिक्स में ये चीज़ें यूज होंगी, तो उस टाइम आपको ब्लैकआउट में नहीं रहना है कि क्या हो रहा है, है ना। ये हम जस्ट ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि 90 माइनस थीटा ये होगा, 90 प्लस थीटा ये होगा, 180 माइनस थीटा ये होगा, 180 प्लस थीटा इतना हो जाएगा। तो जैसे कोई आपसे बोलता है कि बताओ कॉस 210 की वैल्यू क्या होगी, है ना, कि अगर कोई आपसे बोलता है कि बताओ कॉस 210 की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस 210 को आप ऐसे लिख सकते हो कॉस 180 प्लस 30, है ना। और यहां से प्रॉपर्टी आप देखोगे कि व्हाट इज द कॉस ऑन इट 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इक्वल हो जाएगा माइनस कॉस 30 के। माइनस कॉस 30 के मतलब इसकी वैल्यू माइनस रूट 3/2 है। तो स्टैंडर्ड एंगल तो हम जानते हैं, उसके अलावा अगर कोई एंगल होंगे तो उसको नॉर्मली हम इस प्रॉपर्टी से क्या कर लेंगे, इसलिए आपका फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, किस प्रॉपर्टी से हम उसको क्या कर लेंगे, इसलिए आपका फाइंड आउट कर लेंगे। तो कोई भी एंगल है 0 से 360 के बीच में, उसको हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। बस एक थोड़ा सा मैं एंगल और लिखवा देता हूँ आपको मैं, है ना, जैसे अभी 270 वाला भी तो टर्म आ जाएगा ना, इसमें तो हम थर्ड क्वाड्रेंट तक ही पहुंचे हैं भाई, अभी तक तो हम थर्ड क्वाड्रेंट तक ही बात कर रहे हैं ना, लेकिन आपका थर्ड क्वाड्रेंट के फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल भी तो होंगे, जैसे ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के थे दोनों, ये आपके है ना, ये जो एंगल थे ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये फिर सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गए, है ना, ये वाला आपका सेकंड का ही था, ये थर्ड पे आ गए। ऐसे आप फोर्थ पे भी आओगे तो उसमें फिर 270 की प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो आप 11 भी लिख लो कि जो साइन 270 माइनस थीटा होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो साइन 270 माइनस थीटा होगा इसकी वैल्यू माइनस कॉस थीटा होती है ना। और 12 में आ जाएगा
कि जो cos 270 माइनस थीटा होगा है ना, ये आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे 13 में 270 प्लस पे जाते हैं तो साइन ऑफ 270 प्लस थीटा जो होगा है ना, कि साइन ऑफ 270 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो ये माइनस cos थीटा होता है। एंड 14 में हम आ जाते हैं cos ऑफ 270 प्लस थीटा है ना, तो cos ऑफ 270 प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ये है ना कि इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपकी साइन थीटा इसकी वैल्यू होती है राइट। ये जस्ट हमने इसमें डिफाइन कर दिया ठीक है, ये जस्ट आपने साइन एंड कॉस में बेसिकली आपने कन्वर्ट कर दिया। तो कोई भी एंगल हम निकाल सकते हैं कि अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पता है ना तो यू कैन फाइंड आउट एनी एंगल। लाइक किसी ने आपसे बोला कि फाइंड आउट कॉस 300 कितना होगा, तो कॉस 300 डिग्री का मतलब हो जाएगा कॉस 270 प्लस 30, तो कॉस 270 प्लस 30 का मतलब साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 का मतलब हाफ हो जाएगा। तो आपके लिए एंगल, बड़े बड़े एंगल निकालने का मतलब कोई टफ जॉब नहीं रहेगा अगर आपको ये सारे फॉर्मूले पता होंगे तो है ना। तो इस फॉर्मूले को सबको हम यूज़ करते हैं, तो इसको थोड़ा सा मेमोराइज करना आप, और मेमोराइज ऐसे नहीं कर पाओगे, थोड़ा प्रैक्टिस में रखोगे, तो प्रैक्टिस में रखोगे तो अपने आप आते जाएंगे चीज़ें है ना। तो छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट्स हैं जो कि आपको आने चाहिए ठीक है ना, ये आपका जगह से। तो ट्रिग्नोमेट्री में इतनी ही आपको चाहिए होगा जो मैंने बताया आपको। ये आपने कर लिया इस तरह से है ना, ये आपका गया। तो ये जस्ट मैंने तीन पेज का आपको बताया है, दिस इज योर फर्स्ट पेज जिसमें कि कुछ रिलेशंस लिखे हैं मैंने जो कि बार बार यूज होंगे। ये आपका है ना सेकंड पेज, ये बेसिक एंगल है, लेकिन इसके अलावा किसी एंगल के निकालने के लिए ये इसका सपोर्ट टूल है। इसके अलावा कोई एंगल होंगे तो ये प्रॉपर्टीज हम यूज कर लेंगे, ये प्रॉपर्टीज यूज कर लोगे तो किसी भी एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस तरह से स्प्लिट करके है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैथमेटिक्स की फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है, दैट इज योर बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना, कि बार बार यूज होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोई बहुत बड़ी चीज याद नहीं रखना है आपको है ना, कि यहाँ पे हम यूज करेंगे नेक्स्ट जो चीज है बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना। तो क्या होता है कहीं पे भी अगर इस तरह का दिया हो कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, ये आपको दिया हुआ है ना, कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन कहीं पे दिया हुआ है ना, और इसमें ये दिया हुआ है कि जो x की वैल्यू है इट इज वेरी वेरी लेस देन 1 है ना, कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन है और जो आपकी x की वैल्यू है इट्स वेरी वेरी लेस देन 1। तो हम इसको एक्सपेंड करके अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को आप क्या लिख सकते हो, बेसिकली आपका 1 प्लस एन एक्स, ये जो पावर एन है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं है ना, कि पावर जो एन होता है इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जाननी चाहिए है ना, कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जाननी चाहिए है ना। तो इसको कई बार हम फिजिक्स में कई जगह पे यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में, लेकिन ये इसके लिए कंडीशन है, अगर ये होगा तभी ये 1 प्लस एन एक्स के इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बहुत सारे डेरिवेशंस में अप्रोक्सीमेशन में हम इसको यूज़ करते हैं है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम जानते ही हैं, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगा ये तो सभी कोई जानते हैं हम इसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तो आप फैक्टराइज करके इक्वेशन सॉल्व कर लेते हो, अदरवाइज हम ऐसा लिख लेते हैं है ना, बी एक्स प्लस सी अगर कोई इक्वेशन है तो इसका जो सोल्यूशन होता है एक्स की जो वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स बाई टू है ना, और ये तभी सोल्यूशन होगा जब बी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर एक्स होगी है ना। अगर इससे कम है तो फिर ये सोल्यूशन नहीं वैलिड होगा है ना, ये सोल्यूशन तभी होगा जब बी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स हो जाएगी, अदरवाइज अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा जो कि डिफाइंड ही नहीं होगा। तो अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है
तो इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर लेते हैं। बस यही चीजें हैं, कैलकुलस, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसके अलावा जो चीजें जैसे जैसे यूज होंगी कहीं पे, अगर कोई अननोन चीज आती है जो आपको नहीं पता होगा, तो आई विल बी कीप ऑन एक्सपेंडिंग, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये ही यूज होता है ज्यादातर, है ना, जो फिजिक्स में हम यूज करेंगे। अदरवाइज आप एनसीईआरटी में लास्ट पेज जरूर पढ़ लेना, इसमें आपके एनसीईआरटी की जो वॉल्यूम वन है ना, फर्स्ट पार्ट, इसके लास्ट पेज में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए, उसको भी एक बार रीड कर लेना, है ना। उसके बैक पेज पे दिया होता है सब चीजें कि क्या मैथमेटिक्स यूज होगी, क्या चीज होगा, शुरू में नहीं है, लास्ट पेज में दिया हुआ है, अपेंडिक्स जहाँ पे दिया होता है ना, तो उस पर सारी चीजें हैं, सारी चीजें एक बार देख लेना वहाँ पे इसको। तो ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए, है ना, क्योंकि आप एक क्वेश्चन वेक्टर का, बहुत लोगों ने उसका आंसर नहीं दिया था ना, जिसमें जस्ट यही यूज हो रहा था कि भाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो है इसकी वैल्यू वन होती है, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम जो होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा को हम वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली टू होती है, है ना। तो सिंपल सी चीजों में हम इसको अप्लाई करेंगे, राइट, तो हम कर सकते हैं। ओके, नाउ आई कम बैक टू द वेक्टर, वेक्टर पे आ जाते हैं, है ना। तो वेक्टर में पहले हम उसी चीज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जो हमने पढ़ा हुआ है, अभी अभी कोई नया चीज मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी हम वही चीज करेंगे जो हमने पहले से पढ़ी हुई है, दैट इज योर यूनिट वेक्टर, है ना। अभी जो मेन फोकस हम कर रहे थे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो इसी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वेक्टर अलजेब्रा पे आ जाएंगे, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, है ना। लेकिन यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट जो है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो यूनिट वेक्टर के बारे में काफी डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे हम ग्राफ को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं और यूनिट वेक्टर को ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, दोनों चीजें आपने सीखी हुई है। तो आई शेयर फ्यू क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको फर्दर और स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उसका आप आंसर करो। तो उससे आप और चीजें भी समझ जाओगे। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। अच्छा, ये कर चुके हैं शायद हमने, ये कैसे लास्ट क्लास में हमने कर लिया था इसे, नहीं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही बोल रहा आपस में, है ना। वैसे कर लिया था, फिर भी एक बार सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं, है ना। सही है हिना, नव्या, रितिका, सही आंसर है आपके, ऐसे टफ क्वेश्चन आते जाएंगे, डोंट वरी। खुशी कुमारी, सही है, सही है, इसमें कोई आपको पता है सारी चीज़ें, है ना, कि ये आंसर आपने किया हुआ है। तो दिव्यश्मिता, योर आंसर इज करेक्ट। है ना, तो डी फॉर दिल्ली ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। इन दोनों का डिफरेंस तो निकालना है आपको, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा गिवन वेक्टर का, माइनस टू माइनस फोर, तो माइनस सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस टू माइनस माइनस फोर, ये आपका टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका हो जाएगा रूट फोर्टी, रूट फोर्टी मीन्स टू रेट टेन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं भाई, यही तो पूछा हुआ है कि भाई एक वैक्टर का जो टेल है वो 4, -4, 0 पे है, और इसका जो हेड है ना, वो आपका है -2, -2, 0 पे। तो वेक्टर की लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर ही तो होता है,
ये लेंथ हम सीधे निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन की, है ना, कि स्ट्रेट लाइन की लेंथ हम इसके डिफरेंस से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स हो गया, माइनस टू माइनस और माइनस फोर तो टू हो गया, इसका अंडर रूट निकाला तो टू रूट टेन आ गया, है ना, तो ये अपना एक्सप्रेस आ गया। तो हमने आई कैप जे कैप इंट्रोड्यूस नहीं किया है, अगर आप कर देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी कर सकते थे, तो ये इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब कर चुके हैं हम, ये कर चुके थे, ये भी क्लास में हो गया था आपका, ये भी हो गया था। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई विल चेक द आंसर। हाँ, है ना, जिन्होंने भी आंसर सेंड किया है देयर आंसर्स आर करेक्ट। ऋतिका, शुभम कुमार, दिवस्मिता, खुशी कुमारी, है ना, सबके आंसर सही है आपके, है ना, नव्या, योर आंसर्स आर करेक्ट, ऋतिका रानी, है ना, सही आंसर बता रहे हो, ठीक है, शुभम कुमार, है ना, देवश्मिता, आपके आंसर सही है। ठीक है, सही बताया आपने आंसर सारे लोगों ने, बिल्कुल ठीक बोला है कि भाई एक वेक्टर जो यूनिट वेक्टर जो इसके पैरेलल है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब सम होता है ना, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, सम। तो सपोज जो रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, ए और बी को सम कर दो, सिंपल, आई के साथ आई ऐड होता है, यहाँ पे थ्री आई कैप आ गया, जे के साथ जे ऐड होता है तो सिक्स जे कैप आ गया, और के साथ के ऐड होता है तो माइनस टू के कैप आ गया। तो इन दोनों का सम या रिजल्टेंट तो सी वेक्टर, लेकिन ये बोल रहा है ये यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट, मतलब कोई सी वेक्टर अगर ऐसा है तो आपको सी वेक्टर नहीं निकालना है, बल्कि सी वेक्टर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर सी कैप है, उसको निकालना है। तो सी कैप क्या होता है हम जानते हैं, यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है सी वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर को तो हम एज इट इज लिख देंगे, है ना, लेकिन जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो आपका ये हो जाएगा, दैट इज थ्री स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर, तो इसको अंडर रूट करेंगे तो सेवन आ जाएगा,
ये आपको हो जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप भाई आपका 7 हो गया। तो ये यूनिट वेक्टर जो होगा इन दोनों के सम के क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन होगी जो सी की है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा, ठीक है ना, यहाँ कर सकते हैं। सर कैन यू प्लीज री एक्सप्लेन? बेटा कुछ नहीं है, जैसे सी वेक्टर जो होता है ना वो ए और बी को हम सम कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 4i में से i माइनस होगा तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो गया, एंड 6 में से 8 माइनस करेंगे माइनस 2k कैप आ गया। ये सी वेक्टर ए एंड बी का सम है, तो सी का यूनिट वेक्टर निकालना है ना, तो सी का यूनिट वेक्टर का मतलब हो जाएगा वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दोगे। तो वेक्टर को तो ऐसे ही लिख दिया आपने, मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं आपको पता है, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 49 आएगा, उसका अंडर रूट 7 आ जाएगा, तो ये सी कैप आ जाएगा। सी कैप इज द यूनिट वेक्टर, है ना, अगर आपने यूनिट वेक्टर की क्लास की होगी तो आपको आ जाएगा ये। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर यूनिट वेक्टर का क्लास का रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ है रिकॉर्डिंग सर, ग्रुप में सेंड कर दूंगा आप। मैं हाँ ग्रुप में सेंड कर दूंगा यूनिट वेक्टर का। थैंक यू सर। वेक्टर का मैं सेंड कर दूंगा, वेक्टर ही पूरा कर देता हूँ। मुझे भी चाहिए। हाँ okay, मैं बेटा ग्रुप में सेंड कर दूंगा, डाउट ग्रुप में। ओके सर, थैंक यू सर। आप लोग डाउट ग्रुप में तो हो ना? यस सर, मैं नहीं हूँ। अच्छा तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको डाउट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके सर। इस नंबर पे मैसेज मी, आई विल ऐड इन द डाउट ग्रुप, है ना, इस ग्रुप में मैसेज करोगे तो मैं डाउट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो पूरा वेक्टर का स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा तो उसको। ओके सर। है ना, तो आपको यूनिट वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर की अगर आपने क्लास नहीं की है ना फिर इसको समझना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो इस नंबर पे जस्ट मैसेज मी कि मुझे ग्रुप में आप ऐड कर दो, फिर उसमें रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, है ना, कि उसमें यू विल गेट योर रिकॉर्डिंग। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ये आप कर सकते। चलो है ना, नंबर नोट कर लो। यस सर, डन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की तरफ आएंगे यूनिट वेक्टर के। हम ये हम सॉल्व कर चुके थे लास्ट क्लास में, है ना, ये सेम ही क्वेश्चन है, कर लो ऐसे फिर भी आप, वैसे सेम क्वेश्चन है ना, इसमें करने लायक ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी आप सॉल्व कर लो। यूनिट वेक्टर ए प्लस बी के अलोंग क्या होगा? मेरे ख्याल से इसके इसका जो आंसर आ जाएगा, है ना, चेक कर लेते हैं, है ना, ऐसे करने की जरूरत नहीं इसको। हाँ ए इज द आंसर, नव्या एंड आनंदराज, योर आंसर आर करेक्ट, बिल्कुल सही, इस आंसर सही आ जाएगा इसका, है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं, इन दोनों को ऐड कर दो आप, वही सी वेक्टर आ जाएगा, है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो विल गेट द सी वेक्टर। खुशी कुमारी सही आंसर आता है, तो 2i + i 3i कैप हो जाएगा, एंड 3j कैप + 4j कैप इज द 7j कैप, एंड के कैप एक ही है तो के कैप ही रह जाएगा। ये सी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो सी का मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, है ना, तो ये आपका रूट 59 हो जाएगा। बस दोनों को डिवाइड कर दो, तो सी कैप की वैल्यू होती है सी वैक्टर बाई सी का मैग्नीट्यूड, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना, इससे ये वैक्शन आ जाएगा यूनिट वैक्टर, उसके डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा कर सकते हैं।
Okay, you can go for this question. इसको थोड़ा सा ढूंढो कैसे करेंगे हमसे. है ना, अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. हाँ, रितिका रानी एंड दिव्यश्मिता, आपके आंसर सही है. हाँ, नव्या आंसर इज करेक्ट, सही बोल रहा है, यू गॉट द पॉइंट. आप लोग बहुत इजली आगे के वेक्टर पढ़ लोगे, आई बिलीव इन. खुशी कुमारी सही आंसर है, हिना परवीन सही आंसर है आपका, है ना, योर आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही है. ये मेडिकल के स्टूडेंट को वेक्टर थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन इतना टफ है नहीं ये. अगर आप ठीक से करोगे ना तो इजली हम कर लेंगे इसे. तो चूंकि आप यू आर डूइंग गुड, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी इसमें. मतलब एंटायर फिजिक्स में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना. सही आप आंसर दे रहे हो, यू ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर. जो दिया है मैं इसको बताता हूँ कैसे करेंगे. जिन्होंने नहीं भी सॉल्व किया है, आप थोड़ा टाइम लोगे तो आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको मैं. देखो, कंसिडर ईट एज ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नॉर्थ एज ए पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो आप पहले बना लो ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ होता क्या है. ये आपका हो गया ईस्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया साउथ, और ये आपका हो गया वेस्ट, है ना. एक गर्ल वॉक्स 10 meters ईस्ट फर्स्ट टाइम, तो पहले ये 10 meters इधर गई, है ना, तो इधर ये 10 meters गई, ऐसा ले लिया हमने, है ना. देन फर्स्ट टाइम, देन 10 meters इन डायरेक्शन 30 degrees वेस्ट ऑफ नॉर्थ. अब वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब समझना क्या होता है. वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 degrees एंगल पे,
मतलब वेस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी ऐसे, है ना, कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ ये एंगल 30 डिग्री होगा। खाली अगर हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं तो मतलब एंगल 45 डिग्री होता है। अगर आपसे बोलता है कि भाई नॉर्थ वेस्ट में जा रहा तो एकदम बाइसेक्ट करता हुआ जाता है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब बाइसेक्ट करता हुआ जाता है ना। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ है कि 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल पे, ये एंगल 30 डिग्री आ गया, है ना। तो मतलब इस डायरेक्शन में फिर वो मूव करता है ना, कि इस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, इसलिए आपका मूव करेगा 10 मीटर। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है इसके पैरेलल ये मूव करेगा ऐसे, है ना, अगेन ये 10 मीटर मूव किया, है ना। और उसके बाद थर्ड टाइम किसी अननोन डायरेक्शन में जाता है ताकि वो इनिशियल पोजीशन में आ जाए। मतलब ये 10 मीटर इधर गया, 10 मीटर इस डायरेक्शन के पैरेलल गया, फिर वापस यहीं पे आ गया, है ना, कि भाई जहां से स्टार्ट हो तो वहीं वापस आ गया। तो ये जो अननोन वेक्टर है वो कितना होगा ये बताना है आपको, है ना। तो यहां पे देखो तीन वेक्टर इन्वॉल्व हैं, एक ए वेक्टर है, एक दूसरा आपका बी वेक्टर है और तीसरा आपका सी वेक्टर है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर पता है आपको, सी नहीं पता है, लेकिन तीनों का सम पता है कि जीरो होना चाहिए। अगर वहीं पे आ गया तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, इसलिए आपका जीरो, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई ना। तो हम क्या करेंगे, इसको आई कैप जे कैप के टर्म्स में पहले चेंज कर देंगे। तो ए को चेंज करने तो एकदम आसान है, तो भाई अगर ये 10 मीटर है और ईस्ट की तरफ है तो ए वेक्टर जो होगा वो 10 आई कैप हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो ये वाला था 10 मीटर जो नॉर्थ वेस्ट 30 डिग्री एंगल पे था, इसको थोड़ा सा आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सीखा है अच्छी तरह से, हम जानते हैं कि अगर ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है, है ना, और अगर ये 10 है तो 30 के इस 10 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये आपका 10 cos 30 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5√3, और ये आपका 10 sin 30 हो जाएगा, 10 sin 30 मतलब ये 5 आ गया। तो ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं बी वेक्टर नाम दे रहा हूँ। बी वेक्टर का एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, आपने रिजॉल्व कर दिया। तो बी वेक्टर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -5 π/5 cap + 5√3 j cap, हो जाएगा ना आपका ऐसा। माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट है और ये तो j के अलोंग ही है, और सी वेक्टर आपको पता नहीं है कितना है, है ना। तो मेरे ख्याल से आपने जो आंसर दिया है उसमें थोड़ी साइन की गड़बड़ कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी चेक कर लेते हैं, है ना, कि सी वेक्टर अभी आपको पता नहीं है कि सी वेक्टर क्या होगा। माने ठीक किया आपने, आंसर ठीक दिया, सही बात है, लेकिन एक चीज बताए कि जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर वापस आ गए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का सम जीरो हो जाएगा। तो आप इस सबका सम जीरो कर दो, ये आपको हो जाएगा 10 आई कैप माइनस 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप प्लस सी वेक्टर का सम जीरो हो जाएगा। तो इससे सी वेक्टर की वैल्यू आ गई। जब सी वेक्टर हम निकालेंगे तो 10 माइनस 5 आई जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा जाके 5 आई कैप, ये वाला भी माइनस हो जाएगा, तो -5√3 जे कैप आ गया, बिल्कुल सही है। तो इससे आंसर जो आएगा ए आंसर मिल गया, है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने किसी दूसरे मेथड से भी किया है देन ऑल्सो इट्स ओके, है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे सर इजली। भाई ए वेक्टर को अपने आई कैप के टर्म्स में लिख दिया, बी को लिख दिया, सी अननोन है, तीनों का सम जीरो है, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुए वहीं पे वापस आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी आएंगे आपके, काइनेमेटिक्स का पार्ट है ये, थोड़ा सा मतलब तो जिसने भी आंसर दिया था सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका गया इस तरह से। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये कर लोगे आप इसमें, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो जरा सा। Thank you.
Okay, let me check the answer. Debashmita, your answer is correct. Khushi Kumari, your answer is correct. Sahi bata rahe ho. हाँ शुभम कुमार योर आंसर इज करेक्ट. ओके मैं चेक करता हूँ अभी, है ना, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, है ना. आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. चलो इसमें कुछ नहीं करना है आपको. इसने बोला इसका जो मैग्नीट्यूड है इसके मैग्नीट्यूड का हाफ है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं. मतलब ये कंडीशन ये बता रहा है कि i प्लस एक्स जे कैप प्लस थ्री कैप का k कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड को बार साइन लगा लेंगे, ये हाफ ऑफ दिस है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस है, फोर i कैप प्लस फोर एक्स माइनस टू इंटू जे कैप प्लस टू के कैप, इसके मैग्नीट्यूड का हाफ है. तो मैग्नीट्यूड निकालना तो हम जानते ही हैं कि भाई सबके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना है आपने. ये आपका अंडर रूट ऑफ हो गया आपका वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर. यहाँ पे हाफ ऑफ कैसे हो गया, ये आपका हो गया अंडर रूट ऑफ फोर स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ये आपका गया
है ना। अब इससे सॉल्व करके x की वैल्यू आपको निकालनी है, अगर ऐसा है तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा ना, ये यहाँ पे ये 10 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड पे मैंने, तो ये 1/4 हो गया है ना, और यहाँ पे आपका हो गया 16 प्लस 20 आपका आ गया है ना, और इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं तो 16x स्क्वायर प्लस 4 है ना माइनस 16x आ गया आपका। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जो मैं आपसे बात कर रहा था उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की क्या वैल्यू आ रही है हम चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x। तो एक्चुअली 1/4 से तो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल भी हो जाएंगी ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 प्लस 4 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 4x स्क्वायर इनफैक्ट है ना, 4x स्क्वायर यहाँ बच गया, और यहाँ पे आपका हो गया माइनस 4x है ना, और ये 24 है तो प्लस 6 आ गया, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ये। अब इसको हम इधर ले जाते हैं तो इक्वेशन जो फाइनल बनेगी वो आपकी ये बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 4x तो एक ही है ना, और ये पूरी चीज अब इधर चली जाएगी 10, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके x की क्या वैल्यू आ रही है आप कैलकुलेट कर लो है, तो व्हाट वैल्यू यू हैव गॉट लिख लो आप थोड़ा सा। x की दो वैल्यू भी जा सकती हैं, तो अगर x की दो वैल्यू आ रही है तो इसमें हो सकता है दो ऑप्शन भी करेक्ट हो, इफ टू वैल्यू, यस सर दो वैल्यू आ रहा था, हाँ दो वैल्यू आएंगी, क्या क्या आ रही है, एक तो x की वैल्यू 2 आएगी, माइनस टू बाई थ्री एंड 2 आ जाएगा, यस yes, दो आंसर आ जाएंगे ना, तो इससे मल्टीपल करेक्ट, ए और डी दोनों सही है ना। जब भी इस तरह से x की पावर वाली क्वेश्चन होगी तो उसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे है ना, तो इसमें कुछ ऐसा मुश्किल चीज नहीं थी है ना, बस आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसके मैग्नीट्यूड का हाफ है, मैग्नीट्यूड निकालना हम जानते हैं, फिर बाद में सिंप्लीफाई करके अल्टीमेटली इक्वेशन आ गई, इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा, तो टू ऑप्शन इसमें करेक्ट थे, इसलिए कई लोग अगर डी भेज रहे थे ना तो डी में आंसर करेक्ट कर रहा था है ना, हालांकि इसका माइनस 2/3 अगर आप सेंड करते उसको भी मैं करेक्ट कर रहा, क्योंकि दोनों आंसर सही हैं आपके, तो इस तरह से मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं बेसिकली आपका रिलेट करते हैं, तो दिस विल रिलेट द मैग्नीट्यूड है ना, तो आपका आएगा इस तरह से, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर का क्या होता है बेसिकली आपका कंसेप्ट होता है ना, सही बोल रहे हो, तो दोनों आंसर सही होंगे 2n - 2/3 या पाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो वैसे आसान है इजली आप कर लोगे, लेकिन फिर भी ट्राई कर लो एक बार है ना, फिर थोड़ा सा एक दो मैं कैलकुलस के क्वेश्चंस भी आपको देता हूँ, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूशन में आपकी कमांड नहीं है, तो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन,
ये सेम क्वेश्चन है, टुवर्ड्स द ईस्ट एंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना, अगेन व्हाट 4 मीटर, अच्छा देन, अच्छा 4 मीटर वॉक किया इसने, सही है, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओके okay, अलग अलग आंसर आ रहा है, नव्या और दिवस्मिता आपका, है ना, ओके चेक करना पड़ेगा मुझे, मेरे पास भी इसका भी आंसर नहीं है, मैं एक मिनट चेक कर लूंगा इसे, है ना, few has given the answer B and कुछ लोगों के C answer सही है, कुछ B बता रहे हैं कुछ C बता रहे हैं, I don't know कौन सा सही है, ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, मुझे पता नहीं बी कुछ लोग आंसर बता रहे हैं कुछ लोगों के आंसर सी आ रहे हैं, तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कौन सा आंसर सही है, देखो इसने बोला कि मैन वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, पहले 4 मीटर इधर गया, देन ही वॉक नॉर्थ ऑफ ईस्ट की डायरेक्शन में, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब एंगल ईस्ट से बनेगा, और इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से एंगल बनेगा 60 डिग्री, इसके पैरेलल इसने वॉक की, इधर भी 4 मीटर गया इधर भी 4 मीटर गया, तो इसका ओरिजिन से नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो बाकी भी वेक्टर मेथड होंगे इसको सॉल्व करने के, मैं जस्ट यहाँ पे अभी यूनिट वेक्टर का यूज कर रहा हूँ, है ना, कि कल आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में वेक्टर अलजेब्रा में, तो वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने के और भी मेथड होते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ इसने कितना होगा, तो मैं सब इसको आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिख दूंगा, मैं बोलूंगा सपोज इसमें 3 वेक्टर हैं, पहले ये ईस्ट की तरफ गया तो 4 आई कैप हो गया, फिर ये मूव किया नॉर्थ ऑफ ईस्ट 4 मीटर, तो ये वाला एंगल जो 60 डिग्री है, तो ये वाला तो 4 cos 60 degree हो जाएगा ना, तो 4 cos 60 degree का मतलब हो जाएगा 2√3, सॉरी 4 cos 60 degree का मतलब 2 हो जाएगा, एंड ये आ जाएगा 4 sin 60 degree, तो 4 sin 60 degree जो होगा वो आपका 2√3 हो जाएगा, 4 cos 60 degree 4 sin 60 degree, तो अगर मैं बी वैक्टर दूसरे वैक्टर को ले लूँ, है ना, तो दूसरा वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 i कैप प्लस 2√3 j कैप, ये आ गया कि भाई ये 4 i कैप हो गया, इसको आपने स्प्लिट करके i कैप j कैप के टर्म्स में लिख दिया, अब दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब सम ही तो निकालना है, तो c इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, a प्लस b निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 i कैप प्लस 2√3 j कैप, अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि कहीं भी i कैप j कैप नहीं है ना, तो c का मॉड निकालना है, तो सी का मॉड आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, मतलब ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 12,
है ना, तो अंडर रूट ऑफ ये आपका आ जाएगा, अब देखो कितना आपका अंडर रूट ऑफ 48 है ना, कि अंडर रूट ऑफ 48 आ गया, अंडर रूट ऑफ 48 अप्रोक्सीमेटली 6.9 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये 49 होता तो 7 आ जाता ना, तो 6.9 इसका आंसर आ जाएगा, वैसे करना है आपने, है ना, तो इसलिए हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो मेरे ख्याल से आंसर जो आपका ऑप्शन सही है सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, कि सी ऑप्शन तो क्या है बेसिकली आपको सही है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ना वो एंगल लेने में गड़बड़ हो जाती है, ये चीज ध्यान रखना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो जिसके ऑफ होता है वहां से हम एंगल मेजर करते हैं, तो ईस्ट से एंगल मेजर करोगे नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री, है ना, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, कई बार आप इससे खाली नॉर्थ ईस्ट दिया होता फिर तो आप 45 डिग्री पे ले लेते, लेकिन इस तरह से एंगल दिया होता तो वो एंगल आपको मेंशन करना होता है। अब फ्यू क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन जो कि हमने उस टाइम, मेरे ख्याल से उस टाइम छूट गए थे, तो मैं उसको शेयर करता हूँ, आप उसको थोड़ा सा ट्राई कर लो, तो उससे वो इंटीग्रेशन के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी हो जाएंगे आपसे, है ना, तो आई विल जस्ट शेयर क्वेश्चंस, वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, इसको इंटीग्रेट करना है आपने, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसमें एक थर्ड क्वेश्चन मैं और लगा देता हूँ, है ना, जो अब जब आपका सॉल्व हो जाए तो मुझे बता देना, थर्ड में एक और बता देता हूँ, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो व्हेन यू आर डन मुझे एक्सप्लेन कर देना, तो मैं आपको फिर इसका आंसर बता दूंगा क्या होता है, डोंट सेंड द आंसर। क्योंकि इंटीग्रेशन में मैंने आपको कोई अलग अलग रूल बनाए नहीं है, मैंने बोला मेडिकल एंट्रेंस में सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, इसी को यूज करके हम इंटीग्रेट करेंगे, बाकी कोई अलग मेथड जाने की जरूरत नहीं है। जब आपका कंप्लीट हो जाए तो जस्ट मुझे लिख दो कि डन, सो दैट आई विल एक्सप्लेन इट।
ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ध्यान से आप देखो सब लोग। ओके शुभम कुमार आपने कर लिया, कोई बात नहीं, सबको मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं हमसे। अब देखो इसका आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे। व्हाट विल डू, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जानबूझ के मैंने किया है। जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा तो मैं इसको इंटीग्रेशन में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, और 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। और ऊपर वाला टर्म साइन एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, अभी आपने पढ़ा कि जो साइन 2 थीटा होता है ये आपका होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब इस चीज को हम रिप्लेस करके आप सिंगल टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, हाफ तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इनटू dx आ गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, और इस चीज का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं कितना होता है, साइन ए एक्स डी एक्स, ये मैंने बताया था आपको, इसका इंटीग्रेशन होता है -1/a cos ax, तो साइन 2x है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, हाफ तो एक बाहर है ही, है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ये वाला, तो हाफ तो बाहर है ही, एक -1/a भी बाहर आ जाएगा, a की जगह पे यहाँ पे 2 है तो -आ गया, और साइन 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका cos 2x आ जाएगा। मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो -1/4 cos 2x + c आ जाएगा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री यही पे यूज हुई ना, कि ऐसे हम इनका इंटीग्रेशन क्या होगा हम नहीं जानते हैं कि कैसे करें हम इसे, कोई प्रोडक्ट टूल जैसी चीज इंटीग्रेशन में तो पता नहीं मुझे, डिफरेंशिएशन में तो जानते हैं, लेकिन हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला आपको पता होता है, साइन ए टाइम्स ऑफ एक्स जो होता है ये -1/a cos ax होता है, तो ये सॉल्व हो गया। ऐसे थर्ड क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, आप देखो साइन स्क्वायर एक्स का वैसे फॉर्मूला आपको नहीं पता होता है, लेकिन एक हम आइडेंटिटी जानते हैं कि जो cos 2x होता है ये 1 - 2 sin² x होता है, अभी आपने पढ़ा, तो जो sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी इसको इधर उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 - cos 2x/2। ऐसा करने से ना फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाता है, तो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x आपका आ गया इंटू डी एक्स। थोड़ा सा ये चीज मैंने यहाँ पे यूज कर ली, अपने आप आ गया, है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फायदा होता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री मैंने थोड़ा सा बताया आपको कि किस तरह से हमने कर लिया। अब इसको कर लिया तो इसको इंटीग्रेट करना तो एकदम आसान है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब स्प्लिट कर देंगे दोनों को, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा cos 2x dx। तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हाफ आ गया, dx का x हो जाएगा, और cos 2x के लिए सेम यही फॉर्मूला, ये आपका हो जाएगा 1/2 sin 2x, है ना। और चूंकि लिमिट नहीं दिया हुआ, डेफिनेट इनडेफिनेट है, बस एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो इसका आंसर आ गया। जैसे ये बड़ी यूजफुल फॉर्मूला है, साइन ए एक्स डी एक्स का ये होता है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ कहीं पे कॉस ए एक्स डी एक्स हो तो इससे माइनस नहीं आता है, 1/a sin ax होता है, प्लस कॉन्स्टेंट होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसे। तो दो क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिए, तो दोनों में आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लिया, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन से होगा, तो इसका मैंने हिंट दिया था आपको कि जब भी ऐसे दो टर्म हो ना कि एक को डिफरेंशिएट करके दूसरा टर्म आता हो, जैसे log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, है ना, कि जब भी दो टर्म आप आइडेंटिफाई कर पाओ ऐसे हैं, इसमें एक log x है एक 1/x है, तो दोनों में डिफरेंशिएशन से रिलेशन बनता हो कि log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाएगा, तो ये इजिली सॉल्व हो जाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो होते हैं इजिली सॉल्व होते हैं, थर्ड क्वेश्चन है उसको मैं ऐसे सॉल्व कर लूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ log x बाई एक्स, तो मैं u एज्यूम कर लूंगा, लेट u इक्वल टू log x, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक dx भी होगा, यहाँ पे हो जाएगा u बाई एक्स इंटू dx, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, u है तो सब du का ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो du बाई dx की वैल्यू 1/x हो जाएगी, है ना, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो यहाँ से जो dx बाई एक्स है इसकी वैल्यू du हो जाएगी, तो आप देखो dx बाई एक्स ही तो यहाँ पे है, ये फर्दर आपका u तो रह गया, dx बाई एक्स की जगह पे du आ गया, du पुट कर दिया। अब आपको पता है u इंटू du, ये तो पावर रूल से हो जाएगा ना, जैसे x dx का x स्क्वायर बाई 2 होता है, u du का जो होगा वो u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2 आ गया, और u कितना आपने एज्यूम किया था log x, तो इसका आंसर आपका ही आ गया by 2 plus constant, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन आप जानना थोड़ा सा,
कभी हो सकता है फिजिक्स में यूज होंगे. फर्स्ट इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, थर्ड इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और ये वाला टर्म कैसे आया है ना, किसको इंटीग्रेट करके आपने कैसे निकाला. तो तीनों का सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, या तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं या सबट्रैक्शन मेथड यूज करते हैं, है ना. तीसरा कोई मेथड हम इसमें जानते ही नहीं है. सब्स्टिट्यूशन का आइडिया आपको इस तरह से लगता है कि एक को डिफरेंशिएट करके दूसरा टर्म आ रहा होगा, तो जिसको डिफरेंशिएट करके आ रहा होगा उसको आप यू ले लो, तो ऐसा आ जाएगा. अब ऐसे तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, सब चीजें यू के टर्म्स में होने गई, तो जिसको हम एज्यूम करते हैं उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. ये चीज आ गई, उसको डी यू लिख दिया. अब यू डी यू का तो हम जानते ही स्क्वायर बाई टू होता है, यू को वापस से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया. ये थोड़ा सा हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इसके, है ना. तो ये चीज आपकी उस टाइम छूट गई थी थोड़ी सी, एक दो क्वेश्चंस, तो ये आप प्रोसेस में ध्यान रखिए, है ना. ठीक है ना. ठीक है, तो डोंट एब्सेंट द क्लासेस, कभी क्लास मत एब्सेंट करो क्योंकि बीच में हो जाएगा. और ग्रुप का मुझे बता देना तो मैं इसमें ज्वाइन कर दूंगा आपको, है ना. तो वहां पे आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग, उसमें पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको स्टार्टिंग से. डे वन से जो क्लासेस हुई है ना सब रिकॉर्डिंग होगी. अभी मैंने वैसे प्लेलिस्ट उसका नहीं बनाया है, है ना, लेकिन प्लेलिस्ट बनाने के बाद तो आपके लिए सर्च करना बहुत आसान होगा. कभी भी किसी भी जंक्शन पे आपको लगे ये रिकॉर्डिंग हम सेव इसलिए कर रहे हैं कि आपको आज से 6 महीने बाद लगता है अरे मुझे यूनिट वेक्टर यार नहीं आता है, तो उस टाइम कहाँ किसको खोजोगे आप, एक बार रिकॉर्डिंग देख लोगे तो आपको आ जाएगा वो चीज़ें. आपको लगेगा नहीं एरर्स तो मैं भूल गई, तो एरर्स की रिकॉर्डिंग देख ली आपने, तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग को हम बेसिकली आपका सेव कर रहे हैं ताकि कभी भी आप उसको रिकॉर्ड को देख सकें, है ना. मैं न्यू स्टूडेंट हूँ सर, तो रिकॉर्डिंग. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे जो है ना आप मुझे एक बार अपना बोल देना, तो मैं मुझे मैसेज कर देना आप, अगर न्यू स्टूडेंट तो मुझे मैसेज कर देना आप, तो मैं लिंक भेज दूंगा, उस लिंक पर सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. ओके सर, सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, है ना, ये अपने ठीक है ना, ये हम कर सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा, है ना. ओके सर, एडिशन सबट्रैक्शन एंड सारी चीजें. दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय बाय.